ओके फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं 2024 का दिवाली क्रैकर्स टैग। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन कौन से पटाखे खरीदे हैं। तो चलिए चक्कर से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है मोरी फायरवर्क्स का ग्राउंड चक्कर डीलक्स, ये मुझे 22 रुपए में पड़ा था। इसके जैसा ही करोनेशन फायरवर्क्स का चक्कर है, इसका नाम है जमीन चक्कर डीलक्स, ये भी मुझे 22 रुपए में ही पड़ा था। आखिरी चक्कर है इंडियन नेशनल फायरवर्क्स का ग्राउंड चक्कर डीलक्स, ये भी बड़े साइज का चक्कर है और ये भी मुझे 22 रुपए में ही पड़ा था। चक्कर के बाद देखते हैं स्टैंडर्ड फायरवर्क्स के अनार को, इसका नाम है कलर वन, ये थोड़े महंगे हैं जो कि मुझे 30 रुपए में पड़े थे। अगला अनार है मोरी फायरवर्क्स का मोजितो, इसमें 3 पीसेस आते हैं और ये भी मुझे 30 रुपए में ही पड़ा था। अगला अनार है इंडियन नेशनल फायरवर्क्स का क्रिसमस डे, इसमें 3 पीसेस आते हैं और ये मुझे 200 रुपए में पड़ा था। अनार में अगला है पिंक फायरवर्क्स का गोल्डन ट्विस्टर, इसके एक बॉक्स में 5 पीसेस आते हैं और ये भी मुझे 200 रुपए में ही पड़ा था। अगला अनार भी पिंक फायरवर्क्स का है, इसका नाम है इंडिगो, इसमें 5 अलग अलग टाइप के फंक्शन आते हैं और ये भी मुझे 200 रुपए में ही पड़ा था। इंडिगो जैसे ही वनिता फायरवर्क्स के अनार है, इसका नाम है नैनोपॉट, ये थोड़े महंगे पड़ते है और ये मुझे 300 रुपए में ही पड़ा था। वनिता में अगला अनार है 3D पॉट, इसमें 6 पीसेस आते है और ये मुझे 300 रुपए में ही पड़ा था। 3D पॉट जैसा ही शम्मा फायरवर्क्स का अनार है, इसका नाम है ट्राई कलर फाउंटेन, ये मुझे 22 रुपए में ही पड़ा था। अब देखते हैं सबसे बड़े साइज के सुप्रीम फायरवर्क्स के अनार को, इसका नाम है सुपर डीलक्स रेड ग्रीन एंड सिल्वर, इसमें 3 अलग अलग फंक्शन के अनार आते हैं जो कि मुझे 300 रुपए में ही पड़ा था। अगला अनार है स्काई किंग फायरवर्क्स का सरफेस रेड, इसके एक बॉक्स में 5 पीसेस आते है जो की मुझे 200 रुपए में ही पड़ा था। इसके जैसे 4 और अनार मैंने लिए है, इसका नाम है सनफिश ग्रीन, सनफिश रेड एंड ग्रीन, सनफिश गोल्ड एंड सनफिश व्हाइट, ये भी मुझे 200 रुपए पर बॉक्स की सब लिए थे। अनार और चक्कर को जलाने के लिए मैंने सुप्रीम फायरवर्क्स की जिंजीर को लिया है, इसका एक बॉक्स 350 रुपए में पड़ा था। दिवाली है तो रॉकेट तो बनते ही है, इसमें है अनिल फायरवर्क्स के विस्लिंग रॉकेट, ये मुझे 200 रुपए में ही मिला था। दिवाली के दिन तो मल्टी शॉट तो बनता ही है, जिसमें है इंडियन नेशनल फायरवर्क्स का नाइट इंडिया 30 शॉट, ये मुझे 450 रुपए में मिला था। आखिरी में देखते हैं वनिता फायरवर्क्स के स्काई शॉट, इसमें पहला है ग्रीन लीफ, इसके 2 पीसेस का एक सेट आता है जो कि मुझे 1400 रुपए में पड़ा था। इसके जैसे ही वनिता फायरवर्क्स के दो और स्काई शॉट है, इसमें पहला है गोल्डन स्काई, ये भी मुझे 1400 रुपए में ही पड़ा था। आखिरी वनिता फायरवर्क्स का स्काई शॉट है पिंक आउट, बड़े साइज का स्काई शॉट है जो कि मुझे 1400 रुपए में पड़ा था। तो दोस्तों, ऐसा था हमारा 2024 का दिवाली क्रैकर्स का सेट। अगर आपको ये पसंद आया है और इसकी टेस्टिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।